बरसाती मानसून के कारण उत्तराखंड में चार धाम यात्रा काफी प्रभावित हुई थी। बारिश के दौरान पहाड़ों के लगातार भूस्खलन और टूटी हुई सड़कों के कारण सरकार को बीच बीच में यात्रा रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आ चुके हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है, साथ ही दिवाली से पहले चार धाम यात्रा के कपाट बंद हो जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थान पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है। और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। पर हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया।